Okay, so but for today, like we will start from the basic grammar, right? So you should know like about the basics, right? Okay, so we'll start with sentence. What is a sentence? Set of meaningful words. Right, a group of words. Which has a Sense. meaning, sense, which makes a sense basically. Right? Okay. So sentence हमारे पास सेंटेंस जो भी एक जिसका एक मीनिंग होता है वो हमारा एक सेंटेंस होता है. राइट? लाइक आई नो अ ब्यूटिफुल प्लेस. Here. It is making a sense, right? Am I audible and yes, is this visible to you all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, good. And just stop me whenever you don't get the things, okay? Okay. So, I know a beautiful place here, right? Iski jagah main kehti hoon. Beautiful here place. It is not making a sense, right? So it's not a sentence. Yes. It's just a group of words. Yes, ma'am. Right? Okay. So this is a sentence. Yes. एक sentence में हमारे पास दो type की चीजें हो सकती हैं. One is clause and second is phrase. Clause sentence का वो part होता है जिसका एक डेफिनेट मीनिंग बनता है. ओके? एक सेंटेंस में फ्रेज बहुत सारे होते हैं, क्लोज मिनिमम एक होता ही होता है. ओके? ये मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि आगे चल के आपको इनको इनकी जरूरत पड़ेगी फॉर कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस, राइट? एंड इन पैसिव वॉइस आल्सो. ओके? सो क्लोज, देखो अब इस सेंटेंस में हमारे पास देयर इज द बॉल विच इज स्मॉल. यहाँ पे एक बॉल है जो की छोटी है, राइट? अब इस पर्टिकुलर सेंटेंस में देखो बच्चे, हमारे पास दो दो क्लोज हैं. एक ये है एंड एक हमारा ये क्लोज है. ओके? यस मैम. जो मैंने पहले सेंटेंस लिखा था, आई नो अ ब्यूटीफुल प्लेस हेयर, उसमें हमारा सिंगल ही क्लोज था, राइट? जिसमें दो अलग अलग मीनिंग बन रहे हो. देखो यहाँ पे अब इस सेंटेंस में हमारे पास दो मीनिंग है. देर इज अ बॉल, यहाँ पे एक बॉल है विच इज स्मॉल, जो कि छोटी है, राइट? तो हमारे पास यहाँ पे दो दो अलग अलग सेंटेंस बन रहे हैं ना. तो हम इसको अगर मैं विच इज अ स्मॉल, विच इज स्मॉल, ये अलग बन रहा है, देर इज अ बॉल ये अलग भी बन रहा है, राइट? अब ये दो ग्रुप ऑफ सेंटेंस है तो इसमें क्या है, दो क्लोज है, मिनिमम एक होता ही होता है. लाइक इन अवर प्रीवियस सेंटेंस कि उसमें क्या था, देर इज अ ब्यूटिफुल प्लेस, एक सिंगल ही क्लोज था. अब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज इज एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ बॉल, देयर इज, इज स्मॉल. ओके? फ्रेज इज एनी ग्रुप ऑफ वर्ड्स, बट व्हाट इज क्लोज, क्लोज इज अगेन अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स अ सेंस, अ कंप्लीट सेंस. फ्रेज इज ऑफ इनकम्प्लीट वर्ड्स, जिनका एक हम कंप्लीट मीनिंग नहीं निकाल सकते. जैसे कि स्मॉल छोटी है, बट क्या छोटी है कुछ पता नहीं चल रहा हमें, राइट? ये चीज पता चल गई. विच इज स्मॉल, विच इज स्मॉल बच्चे क्लोज जो होते हैं ना हमारे पास, राइट? अब जो हमारे पास क्लोज होते हैं, विच इज स्मॉल इज अ क्लोज. क्लोज हमारा बच्चे दो टाइप का होता है, एक हमारा होता है मेन क्लोज और एक हमारा होता है सबऑर्डिनेट क्लोज.
जो हमारा मेन क्लोज होता है इसको हम इंडिपेंडेंट क्लोज भी कहते हैं. इसका अपना एक इंडिपेंडेंट मीनिंग होता है, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं होता है. ऑन द अदर हैंड सबऑर्डिनेट क्लोज जो हमारा होता है, सबऑर्डिनेट क्लोज हमारा डिपेंडेंट होता है इंडिपेंडेंट पे, मेन क्लोज पे. तो जो विच इज स्मॉल है हमारा, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लोज है जो अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए हमारे मेन क्लोज पे डिपेंड कर रहा है. ओके मैम. ओके, अब आते हैं सेंटेंसेस के टाइप पे. ये एक छोटी सी चीज थी, ये ध्यान में होनी चाहिए आपको. अगर आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर लीजिए, बिकॉज ये आपका बेसिकली जो ये क्लोजेस वाली चीज है आपका कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के लिए आपका ये बेस रहते हैं. ओके, अब करते हैं सेंटेंस के टाइप की. एनीवन हैव एनी आइडिया दैट व्हाट आर द टाइप ऑफ सेंटेंसेस? 30 सेंटेंसेस. हां जी, assertive sentences. Right. Assertive sentence. मैम declarative sentence. ये assertive sentence का ही दूसरा नेम होता है बच्चे. Yes, ma'am. Assertive sentence, declarative sentence, also these are known as affirmative sentences. ये सारे इसी के ही नेम होते हैं. Assertive sentence, declarative sentence, affirmative sentence, ये सारे एक ही sentences के नेम हैं. और हमारे पास सेंटेंस होते कितने टाइप के हैं ये पता है आप लोगों को? I'm five. Right. वैसे फाइव सेंटेंसेस के टाइप होते हैं, बट अब जो क्या किया गया है उसको फोर ही कैटेगरीज में रख दिया गया है. ओके, जो लाइक ओल्ड ग्रामर, वी कैन से इन ओल्ड ग्रामर देयर वर यूज्ड टू, इट यूज्ड टू बी फाइव टाइप्स, बट नाउ दीज आर फोर. व्हाई? बिकॉज जो नेगेटिव सेंटेंस था वो इसी की सब कैटेगरी बना दिया गया है. वी विल कवर इट व्हेन आई विल कम टू असर्टिव सेंटेंस. ओके, असर्टिव सेंटेंस, डेक्लेरेटिव, अफर्मेटिव एक के ही नाम होते हैं. नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटरोगेटिव सेंटेंस. देन देयर कम्स इंपेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट कैटेगरी, एनी आइडिया? एक्सक्लेमेटरी. राइट. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, राइट. अब जो फाइव फिफ्थ कैटेगरी रहती है वो हमारी नेगेटिव सेंटेंस रहती है, जो कि इसी का ही सब पार्ट बना दिया गया है कि जब हम असर्टिव सेंटेंस में नोट लगा देते हैं तो हमारा वही सेंटेंस असर्टिव का एक उसकी सब कैटेगरी में नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है. ओके, सो असर्टिव सेंटेंस कौन से होते हैं? परनील, is it Parnil, right? Assertive sentence कौन से होते हैं बच्चे? I mean which we declare something or in which we tell something to anybody. Absolutely right. कि as per the name suggest, declarative, assertive, affirmative, इनका सबका meaning यही होता है कि confirmation, declaration, जब हम कुछ declare कर रहे हैं, right? तो वो सारे ही sentence जिसमें हम ना ही तो कोई question कर रहे होते हैं, ना ही कोई चीज से डिनाई कर रहे होते हैं, ना ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ना ही ऑर्डर कर रहे हैं, ना ही कोई फीलिंग एक्सप्रेस कर रहे हैं, जस्ट नॉर्मल सेंटेंसेस, दे ऑल आर असर्टिव सेंटेंस. लाइक अब मैंने ये भी सेंटेंस बोला, दे ऑल आर असर्टिव सेंटेंस, दिस सेंटेंस इटसेल्फ इज अ असर्टिव सेंटेंस. क्योंकि यहाँ पे भी मैंने क्या किया, मैंने किसी चीज का कोई क्वेश्चन नहीं किया, राइट. दे ऑल आर असर्टिव सेंटेंस, दिस sentence itself is a declarative sentence, क्योंकि इसमें सिर्फ मैंने एक information को deliver किया है, कोई मैं question नहीं कर रही हूँ किसी से, मैं कोई किसी चीज पे request नहीं हो रही है, doubt नहीं है, right? So this is assertive sentence. There is a pen.
Ayush, you are late. You are late, Ayush. मैं वो मेरे disconnect हो गया था मैम. मैं आया हुआ था. Okay, 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 okay. So did you miss anything? Yes, ma'am. Assertive sentence समझा दो एक बार. Okay, yeah, sure. Assertive sentence, declarative, affirmative. If you will go for the meaning of the this word, assertive, affirmative, declarative. Declarative का meaning क्या होता है बच्चे? Negative. नहीं बच्चे, declarative का meaning negative नहीं होता. Declarative का meaning होता है बच्चे declaration करना किसी चीज की. Declare करना क्या होता है? मतलब बताना, declare करना. Exactly. कि जब हम कोई चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, जब नॉर्मली कोई भी चीज हम बोल रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको देख रहा होगा, मैंने लिखा कि जब मैंने इसके डेफिनेशन को एंड किया कि the old sentences which just declare anything which do not deny right for anything which the sentence basically in which there is no any kind of request, there is no any kind of order or expressions of feelings or anything, right? ना ही question है. नॉर्मल एक सेंटेंस है, वो सारे के सारे सेंटेंस ही असर्टिव सेंटेंसेस होते हैं. दे ऑल आर असर्टिव सेंटेंस. ये जो मेरा सेंटेंस है, ये सेंटेंस खुद एक असर्टिव सेंटेंस है. एंड देयर इज अ पेन बी असर्टिव सेंटेंस है, राइट? कि यहाँ पे एक पेन है, वहां पे सॉरी, वहां पे एक पेन है या यहाँ पे एक पेन है, आप यहाँ आए हो, आप वहां जा रहे हो, राइट? यू आर गोइंग देयर. I have a pencil. These all are assertive sentences. मगर question mark, अगर sentence के पीछे question mark से ending हो रही है sentence की, तो assertive नहीं. बच्चे वो तो category ही change हो जाएगी ना फिर. Normal sentence. देखो, these kind of sentences, assertive sentence हमेशा हमारा full stop से end होगा. The very first thing, okay? और इसमें ना ही तो कोई, क्योंकि usually हमारा negative sentence जो इसकी sub category है, वो भी हमारी full stop से end होती है. राइट right? हमारा जो थर्ड कैटेगरी है जिसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, वो भी हमारी फुल स्टॉप से एंड हो रही होती है. बट एक हमें सेंस पता चलती है, राइट right? अब जिसमें ना ही तो एक सिंपल से इसको समझने का तरीका कि जब एक किसी सेंटेंस में कोई रिक्वेस्ट नहीं है, ऑर्डर नहीं है, कोई डिनाई नहीं किया जा रहा किसी चीज से, वो सारे ही सेंटेंस कौन से होंगे? असर्टिव सेंटेंस. लाइक नाउ जस्ट आई सेड कि वो सारे सेंटेंस कौन से होंगे. नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, राइट? क्वेश्चन है अभी यहाँ पे मेरे पास. तो अब वो क्वेश्चन है तो वो मेरा असर्टिव सेंटेंस नहीं होगा. मेरे पास डिड एनीबॉडी से एनीथिंग मैम? इंटरोगेटिव सेंटेंस. हाँ जी, वो कौन सा था? वो हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस था कि वो कौन सा था. अब ये सेंटेंस भी क्या है? ये सेंटेंस भी खुद जो मैं ये अभी दो सेंटेंस मैंने बोले हैं, दीज इटसेल्फ आर इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इन सब को छोड़ के जब ना ही तो कोई क्वेश्चन मार्क होगा, ना ही क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ना ही कोई रिक्वेस्ट है, ना ही कोई ऑर्डर है, दे ऑल सेंटेंसेस आर असर्टिव सेंटेंसेस. ओके, अब मैंने ये जितने लिखे हैं ये सारे के सारे हमारे असर्टिव सेंटेंसेस हैं. ओके, इज बोर्ड विजिबल टू यू ऑल? यस मैम. आपकी चाहे आप लाइकिंग्स बता रहे हो, राइट? आई लाइक टू वर्क ऑन कंप्यूटर. I like to teach. अब ये सारे क्या हैं? Deny नहीं है, कोई request नहीं है, question नहीं है, full stop से end हो रहे हैं, right? तो they are all assertive sentences. Okay? अब इसके सब category की बात करते हैं कि जब हम deny करते हैं किसी चीज से, तो वही sentence हमारा declarative से उठ के negative sentences की category में आ जाता है. The sentence which we use to deny anything or we which use to change something like which we don't like, right? अभी मैंने लिखा I like to work on computer. फिर मैं साथ में बोलती हूँ However, I don't like work on laptop. Right? ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? मैंने deny कर दिया. Not आ गया इसमें. I do not like to.
तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? इसकी सब कैटेगरी नेगेटिव सेंटेंस. ओके यस मैम. I will not go there. I will not do homework. I hope you will not follow this, right? You all will do homework. You will follow the things in affirmative sentences, right? Negative sentences की category आपकी life में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए. Negative sentence होना ही नहीं चाहिए. You can never say I can't do this. I can always do this. Right? Yes, ma'am. Okay. Any doubt in assertive and negative sentence? No, ma'am. Okay. Then there comes next category, interrogative sentence. I hope you all are aware with interrogative sentence. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right? What is the interrogative sentence? Ma'am, which ends with question mark. Yeah. And what else? अगर मैं इसी क्वेश्चन के पीछे अगर मैं ऐसे ही लगा देती हूँ I will go there. मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया. Now is this sentence is an interrogative sentence? No ma'am. No, ma'am. Then what is interrogative sentence? Ma'am, will I go there? मैम क्वेश्चन की फॉर्म में होना चाहिए सेंटेंस. राइट. तो अब क्वेश्चन की फॉर्म में होता कैसे है? राइट. होता क्या है कि हेल्पिंग वर्ब हमारी पहले आ जाती है. जो भी हमारी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब होगी, ऑक्सिलरी वर्ब होगी, जो भी रहेगा वो हमारा पहले आ जाता है उठ के. ठीक है. तो ये वर्ब एंड ऑल ये चीजें नेक्स्ट अभी टॉपिक जो करेंगे उसमें मैं आपको बताऊंगी. बट इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? द सेंटेंस विच वी यूज टू आस्क अ क्वेश्चन. राइट. नाउ हाउ टू मेक अ इंटरोगेटिव सेंटेंस? इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो हमारी इमीडिएट आफ्टर सब्जेक्ट के बाद हमारा जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो हम पुट करेंगे द वेरी फर्स्ट प्लेस ऑफ द सेंटेंस. राइट. तो अब यही को अगर इसी सेंटेंस को मैं अगर क्वेश्चन मार्क बनाना चाहती हूँ, इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाना चाहती हूँ, तो कैसे बनेगा? Will I go there? Will I go there? Right. Will I go there? Should I go there? तो बच्चे अब देखो सेंस ही चेंज हो जाएगी ना. यस मैम. जो हमारा सेंटेंस है अभी हम बात कर रहे हैं आई विल गो देयर डिक्लेरेटिव सेंटेंस है. आई शुड गो देयर हमारा सजेशन आ जाता है. सजेशन हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस में चला जाएगा कि हम अपने लिए सजेशन पूछ रहे हैं. राइट. अब वो शुड आई गो देयर हो जाएगा कि यहाँ है विल आई गो देयर, क्या मैं वहां जाऊंगा? शुड आई गो देयर, क्या मुझे वहां जाना चाहिए? ओके मैम. ओके. सो विल आई गो देयर जो अगर हम शुड लगाते हैं तो उस चीज से हमारी सेंस चेंज होती है. बट यहाँ पे जो अगर हम विल को वैसे का वैसे रखना चाहें दोनों का मीनिंग अलग है. आप समझते हो ना? मान लो आप अपने पेरेंट्स के साथ बात कर रहे हो, यू आर हैविंग अ कन्वर्सेशन, राइट, एंड यू डोंट नो दैट विल यू गो टू दैट मैरिज पर्टिकुलरली. जो भी आपके इनविट किसी भी चीज की वहां पे बात हो रही है किसी पर्टिकुलर इवेंट की एंड यू आर नॉट स्टिल अवेयर दैट यू विल गो देयर और नॉट. सो विल आई गो देयर कि क्या मैं वहां जाऊंगा? राइट. ऑन द अदर हैंड व्हेन यू आर टॉकिंग विद योर फ्रेंड एंड यू नीड टू आस्क दैट शुड आई गो टू दैट रेस्टोरेंट कि क्या मुझे उस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए? वट इज दैट? दैट इज यू आर आस्किंग फॉर सजेशन. बट अगेन दैट इज अ इंटरोगेटिव सेंटेंस ओनली क्योंकि यहाँ पे हम परमिशन की बात कर रहे हैं. राइट. देखो किसी भी कैटेगरी की बात हो जब हम उसको इंटरोगेटिव सेंटेंस में अगर हम उसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो वो सारी कैटेगरीज इंटरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाती हैं. ओके. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस विल ऑलवेज एंड्स विद अ क्वेश्चन मार्क. राइट. अगर आप रिटर्न में क्वेश्चन मार्क वहां पे एंड में नहीं है तो आपका वो इंटरोगेटिव सेंटेंस की फॉर्मेशन गलत हो जाती है. ओके. ओके. नेक्स्ट इज आवर इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस हमारे कौन से होते हैं? एडवाइस, रिक्वेस्ट, कमांड. राइट.
the sentences which we use to command, request, and और क्या होता है? What else? Order, advice, advice. Right. अब जो आप में से किसने कहा था should I go there होना चाहिए? मैंने आयुष. Right. Name again please. आयुष. Okay. आयुष देखो एडवाइस हमारा यहाँ पे है राइट तो अगर हमारे वो हम उसको सब कैटेगरी वाइज भी काउंट करें तो शुड आई गो देयर हमारा इम्पैक्टिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की कैटेगरी में आता है ओके क्योंकि वहां पे हम एडवाइस के लिए पूछ रहे हैं कमांड बी क्वाइट रिक्वेस्ट प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर Advice. You should go there. तुम्हें वहां जाना चाहिए. Okay? Okay. Okay, so this is imperative sentence. यहां तक clear है सबको? Yes, ma'am. Okay, then there comes the last category of sentence. What is it? Exclamatory. Exclamatory. Right. And what is exclamatory sentence? Exclamatory. Ma'am. Happiness. In which we express. Ma'am, happiness. Ma'am, surprise. Strong feeling of happiness. Right. Which is used to express happiness. Surprise. Surprise. Shock, surprise. Yes, ma'am. And it ends with exclamation mark. Right. It always ends with a exclamation mark. Hurrah! We won the match. Alas, alas. किसके लिए होता है? Sadness के लिए. Right. Yes, ओके ये तो हो गए सेंटेंस के टाइप कि सेंटेंस के टाइप कौन कौन से होते हैं जो एक कंप्लीट ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं उनका टाइप क्या क्या रहता है राइट और एक सेंटेंस में क्या क्या हो सकता है क्लोज एक सेंटेंस में कितने हो सकते हैं मिनिमम वन होगा ही होगा अदरवाइज दैट वोंट मेक अ सेंटेंस राइट एंड फ्रेज कितने हो सकते हैं फ्रेज इन्फिनिटी हो सकते हैं बट कंडीशन है कि क्लोज की क्या होगी कि मिनिमम एक होना ही होना चाहिए तभी एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स एक मीनिंग बनाएगा अदरवाइज बिना क्लोज के एक सेंटेंस हो ही नहीं सकता सो देर विल ऑलवेज बी वन क्लोज इन अ सेंटेंस ओके देन देयर कम्स पार्ट ऑफ सेंटेंस कि अब वो तो था कि सेंटेंस के टाइप किस किस टाइप के राइट right? अब आते हैं पार्ट ऑफ सेंटेंस कि एक सेंटेंस के पार्ट कौन कौन से होते हैं कि एक सेंटेंस में होता क्या क्या है हमारे पास मैम नाउन राइट मैम एडवर्ब एडजेक्टिव इंटरजेक्शन नाउन प्रपोजिशंस कंजक्शंस इंटरजेक्शंस राइट नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब Adverb. Preposition. Conjunction. And interjection. Yes, ma'am. Right? So these are the part of sentence. Earlier, articles ko bhi part of sentence mein hi rakha jata tha, but ab remove kar diya gaya. Haan ji? Punctuation. वैसे तो अगर mainly जो part sentence, part of sentence रहते हैं वो बच्चे यही eight ही रहते हैं eight part of sentence. But rest articles, punctuations ये part of sentences हैं. But again जो main category है जो एक sentence को complete करते हैं वो ये हैं.
राइट, बट ऐसा नहीं है कि पंक्चुएशंस एंड ऑल वो इन्हीं के ही आगे सब कैटेगरीज में चीजों को फॉल किया गया है. ओके यस मैम. ओके सो नाउन, एनी आइडिया अबाउट नाउन? नाउन क्या होता है मैम? नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल, एनीथिंग. ओके ओके सो टेबल इज, टेबल इज अ नाउन? यस मैम. ओके एंड व्हाट इज प्रोनाउन मैम? मैम वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. सॉरी आई डिडंट गेट व्हाट यू सेड. मैम वर्ड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन. राइट. ओके एंड एडजेक्टिव मैम? डिस्क्राइबिंग वर्ब्स, वर्ड्स. हाउ मच, हाउ मेनी, लाइक क्वालिटी ऑफ नाउन्स. राइट. तो क्वालिटी ऑफ नाउन, और आपने क्या बोला था, किसी और ने बोला था कि जो क्वांटिटी बताते हैं, तो क्वांटिटी वाली बात ठीक है या नहीं है? मैम नहीं है, क्वांटिटी नहीं बताते हैं एडजेक्टिव. देखो एडजेक्टिव जो है वो क्वालिटी बताता है नाउन की. ओके वर्ब, वर्ब क्या होता है मैम? एक्शन वर्ड्स. एक्शन वर्ड्स, एक्शन वर्ड्स, जिससे एक एक्शन पता चलता है हमें, किस टाइप का एक्शन है, क्या चल रहा है उस पर्टिकुलर टाइम ऑफ फ्रेज में. राइट. एडवर्ब मैम? व्हिच ऐड द मीनिंग ऑफ मैम? ऐड मैम, इट ऐड मीनिंग टू द वर्ब. राइट. प्रीपोजिशन मैम? नाउन एंड प्रोनाउन रिलेशन, रिलेशन बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन. राइट. एक सेंटेंस के किसी, नॉट जस्ट नाउन एंड प्रोनाउन, बिटवीन इन, लाइक इन एनी पार्ट ऑफ द सेंटेंस, दे जस्ट टेल द रिलेशन कि उसका सेंटेंस के दूसरे पार्ट के साथ क्या रिलेशन है. ओके व्हिच टेल्स द रिलेशन ऑफ अ नाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, और प्रोनाउन विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. ओके कंजंक्शन मैम? व्हिच जॉइंस ग्रुप ऑफ सेंटेंस और वर्ड्स. एब्सोल्युटली राइट. इंटरजेक्शन मैम? फीलिंग मैम, सरप्राइज, लाइक जो हम एक्सप्रेस करने के लिए, लाइक हुर्रा, अलास, ये हमारे इंटरजेक्शन में आते हैं. ओके सो टुडे वी विल स्टार्ट विद नाउन एंड रेस्ट कैटेगरीज हम साइड बाय साइड करते रहेंगे. ओके यस मैम. ओके जस्ट टेल मी नाउन के टाइप्स होते हैं या कैटेगरीज होती हैं? कैटेगरी टाइप्स. ओके सम आर सेइंग टाइप्स होते हैं एंड सम आर सेइंग कैटेगरीज होती हैं. ये वैसे दो ही लोगों के वोट्स हैं. आई वांट टू नो अबाउट यू ऑल, नाउन के टाइप्स होते हैं या कैटेगरीज होती हैं? दोनों एक टाइप कैटेगरीज. ओके टाइप्स मैम, दोनों एक ही बात नहीं होगी मैम? नहीं, टाइप्स और कैटेगरीज, कैटेगरी वाइज रखना और टाइप, मतलब देखो कि टाइप जैसे कि इस टेबल के हमारे पास 5 टाइप्स हैं. ओके सेम ये टेबल है, ठीक है, जो लेक्चर स्टैंड है, ठीक है, लेक्चर स्टैंड के हमारे पास 5 टाइप्स हैं. आपको सिलेंड्रिकल भी मिलेगा, आपको राउंड शेप में भी मिलेगा, दैट आर टाइप्स. कैटेगरीज हमारे पास अलग अलग कैटेगरीज हैं हमारे पास. हाँ जी मैम. क्वालिटी, क्वालिटी, व्हाट क्वालिटी मैम? कैटेगरीज में मैम उस टेबल की मतलब क्वालिटी अलग अलग है. एब्सोल्युटली राइट. कि उस टाइप में हम कैसे कि हमारे पास कैटेगरीज वाइज हमारे पास लेक्चर स्टैंड भी हैं, हमारे पास स्टडी टेबल भी हैं, हमारे पास
ये जो विद अटैच चेयर टेबल भी हैं वो हो गई कैटेगरीज. फिर उसमें कैटेगरीज में किट टाइप्स कौन से हैं, राइट? तो अब नाउन के टाइप्स होती हैं या कैटेगरीज होती हैं? मैम दोनों होती हैं, राइट? नाउन के दोनों ही होते हैं. नाउन के टाइप्स और कैटेगरीज. कैटेगरीज कौन सी होती हैं? हमारे पास दो टाइप की कैटेगरी होती हैं. वन इज काउंटेबल नाउन, यस मैम, एंड अदर इज अनकाउंटेबल नाउन, राइट? ओके. एंड नाउन के टाइप्स कितने होते हैं हमारे पास? मैम फोर. कौन कौन से? मैम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड कलेक्टिव नाउन. एक और नहीं होता या होता है? मैम इतना ही पता है. एनीवन एल्स, नाउन के कितने टाइप्स होते हैं? मैम प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन, राइट? जितना हमें डीप में जाना चाहिए उसके अकॉर्डिंग हमारे पास फाइव ही कैटेगरीज हम मान के चलेंगे. अदरवाइज यही चीज हम फोर कैटेगरीज में भी कवर कर लेते हैं. एंड इफ यू विल गो डीपर इन द ग्रामर, राइट, तो यू विल कम टू नो देयर आर एट टाइप्स ऑफ नाउन, राइट, विच वी विल नॉट कवर क्योंकि बेसिकली इन्हीं सारों में ही कैटेगरीज आ जाती हैं. बट व्हेन वी गो डीप, राइट, देन एट दैट टाइम वी कम टू नो देयर आर एट कैटेगरीज ऑफ नाउन, बट वी नीड नॉट टू गो इनटू दैट, राइट? सो वी विल जस्ट These five, that doesn't mean कि उसमें सारी नहीं होती हैं, वो सारे इसी में ही कवर हो जाते हैं. बट आगे हम वही की बात आगे आगे चलते जाएं तो वो सेम एक ही वर्ड दूसरी कैटेगरी में भी फॉल करते हैं, राइट? ओके, सो नाउन, नाउन इज बेसिकली नेम ऑफ एनीथिंग, यस मैम, आइडेंटिटी, राइट? ओके, एंड व्हाट इज अ प्रॉपर नाउन? Any idea? Anyone? Specific name of something. Right. Proper noun is specific name of something, nahi anything. किसी yes, का भी एक पर्टिकुलर नेम गिवन टू एनीथिंग, अ बेसिक आइडेंटिटी ऑफ ए पर्सन और एनी एनिमल, एनीवन, कि किसी की बेसिक आइडेंटिटी. अब वो बेसिक आइडेंटिटी में नेम, राइट? अब नेम लाइक राम, ज्योति, ब्रूनो, ब्रूनो. अब देखो जो एनिमल्स के नेम होते हैं ये हमारे कॉमन नाउन में आते हैं या प्रॉपर नाउन में आते हैं? मैम कॉमन, प्रॉपर, मैम प्रॉपर नाउन. आयुष, व्हाट यू रिक्वेस्टेड? मैम वो गलती से क्लिक हो गया था. ओके, ओके, सो प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन किसी भी चीज का. अब वो किसी भी नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज को एक पर्टिकुलर नेम दिया होता है. अब कॉमन नाउन, और इसमें ध्यान से आपको समझनी चाहिए ये चीज, जो एक ही नेम होता है उस पर्टिकुलर पर्सन की आइडेंटिटी होती है, राइट? दैट इज प्रॉपर नाउन. एनी नेम, राइट? लाइक इंडिया, अमेरिका, ताजमहल, ताजमहल. मैम किसी मैम पर्सन का नाम. ताजमहल इज कॉमन नाउन. ताजमहल इज कॉमन नाउन. हु सेड ताजमहल इज कॉमन नाउन? प्रॉपर नाउन. ताजमहल कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है? प्रॉपर, प्रॉपर नाउन. ताजमहल प्रॉपर नाउन है बच्चे, महल इज अ कॉमन नाउन. किसी का नाम आ सकता है प्रॉपर नाम, प्रॉपर नाउन में? जैसे मेरा सिद्धांत मैम में प्रॉपर नाउन हो सकता है? हो सकता नहीं बच्चे, प्रॉपर नाउन ही है. आई रोट इट ओवर हियर ना, राम, ज्योति. Each one of your name, my name, every name is a proper noun. आपकी basic identity है वो बच्चे, right? So आपका name किसी का भी. That's why I said name, particular name of anything
एनीथिंग मीन्स एनीथिंग, जब तक उसकी वो एक पर्टिकुलर आइडेंटिटी है, दैट इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, ईच वन ऑफ यू हैव अ प्रॉपर नेम ऑफ प्रॉपर नाउन. आपका सभी का नेम, इट ऑलवेज फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ प्रॉपर नाउन. योर फादर्स नेम, योर मदर्स नेम, आई एम नॉट सेइंग योर फादर मदर, योर फादर्स नेम, मदर्स नेम, दे ऑल आर प्रॉपर नाउन. हर किसी का एक नाम है, हर कंट्री का एक नाम है, राइट, हर बुक का एक पर्टिकुलर नेम है, राइट. द नेम ऑफ एनी बुक, बेसिकली जो नेम होता है, राइट. अब बुक, बुक जो है वो हमारा क्या है, बुक इज अ कॉमन नाउन. मैम चैप्टर का नाम, चैप्टर का नाम इज अ प्रॉपर नाउन, क्योंकि वही एक ही चैप्टर है ना, हर बुक में वही एक चैप्टर है. अब आपका नेम, अगर मैं आपका नेम लिखती हूँ किसी भी बुक पे, तो वो कॉमन नाउन थोड़ी हो जाएगा, उससे आपकी आइडेंटिटी बनेगी ना, राइट. दैट इज अ कॉमन नाउन, द नेम ऑफ दैट चैप्टर, दैट इज अ प्रॉपर नाउन. ओके, then there comes common noun. Common noun क्या होता है, एक ऐसा नेम जो एक हर किसी को वो चीज नेम दिया गया हो, राइट. Are you there guys? Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉमन नाउन क्या होता है, बेसिकली कॉमन नेम जो दिया होता है हमें, राइट. एक कॉमन नेम देना, राइट. अब सिद्धार्थ है, हु इज सिद्धार्थ, सिद्धार्थ इज अ बॉय, यस मैम, राइट. सो अब सिद्धार्थ का जो, आपका जो सिद्धार्थ जो कॉमन नेम है वो बॉय है, राइट. एंड योर प्रॉपर नेम इज सिद्धार्थ. ओके, जो कॉमन नेम हर कैटेगरी को दिया होता है, बॉय, गर्ल, मैन. मैम जैसे नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए बहुत सारे कॉमन नाउन्स यूज किए गए हैं. एग्जैक्टली, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए, उनको सबको एक पर्टिकुलर कैटेगरी वाइज रखने के लिए कॉमन नाउन रखा गया है, right? बेटा बात सुनो, अपने वीडियो ऑन कर लीजिए, जो भी बात करें तो ऐसा ना लगे मैडम को कि दीवारों को पढ़ा रहे हैं. अपनी वीडियो ऑन कीजिए, तब बात कीजिए, सभी बच्चे ऑन करेंगे तो अच्छा लगेगा. यस सर, थैंक यू सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हो. ओके, सो कॉमन नाउन इज अ कॉमन नेम ऑफ ऑल प्रॉपर नाउन्स. हर प्रॉपर नाउन को एक कैटेगरी वाइज रखा गया है, राइट. Boy, girl, man, woman, right? तो वो किसकी, प्रॉपर नाउन की, हर एक की. अब एनिमल इज अ कॉमन नाउन. ओके, एनिमल के बाद चाहे कैट है, दैट इज ऑल्सो अ कॉमन नाउन. ओके, नाउ इफ यू हैव अ पेट कैट, वर यू प्लेइंग सिद्धांत? मैम मेरा ये मेंटालिटी कि जब भी मैं उसको पकड़ के रखता हूँ वॉलीबॉल को, तो मैं ज्यादा बेटर रन करता हूँ मैम. ओके, 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 दैट्स गुड. ओके, सो जो कैट है वो भी हमारा एक कॉमन नाउन है. नाउ इफ यू हैव अ कैट, राइट, एंड यू विल गिव अ नेम टू इट, राइट. अब वो नेम उस कैट का प्रॉपर नाउन होगा. ओके, अदरवाइज एक कॉमन नेम दिया गया है उस पर्टिकुलर कैटेगरी को, दैट इज कैट, राइट. ओके, नाउ देयर कम्स कलेक्टिव नाउन. व्हाट इज कलेक्टिव नाउन? Ma'am, that will describe to ma'am many things. Ma'am, a group of word. Ma'am, into a singular form of word. Ma'am, like humans, ma'am. Ma'am, like a right. team. Ki basically, the name given to any group of any category. Ma'am, like a school of fish, ma'am. The school is, ma'am, maybe. Absolutely correct. Right. कि एक ग्रुप को जो नेम दिया गया हो. अब बहुत सारे लोगों के ग्रुप को क्या कहा जाता है? मैम बंच ऑफ, ऐसे करते हैं. क्राउड,
अब बहुत सारे लोग हैं तो भीड़ है, राइट? तो वो भीड़ भी हिंदी का नाउन है हमारा, भीड़ उसका क्राउड हमारा यहाँ पे कलेक्टिव नाउन, हिंदी में उसको भीड़ कहा जाता है। अब यही पे अगर गुस्से वाली भीड़ होती है तो उसको क्या कहा जाता है, उस ग्रुप को क्या कहा जाता है? द ग्रुप, राइट? बर्ड्स के ग्रुप को क्या कहा जाता है? मैम अल्फाबेट्स, सॉरी सेंटेंस, फ्लाइट ऑफ बर्ड्स। ओके, सो देयर इज अ ह्यूज कैटेगरी ऑफ कलेक्टिव नाउन। I will share a list with you, I hope today, right? And just try to go through it once. If you will know the category of, like the names of basically collective noun, you will have a good vocabulary for English. And aapki English ki requirement hai usme, like is type ki vocabulary ki, not English. I mean, this kind of vocabulary, this you need in your exam. So I will be sharing a list with you, okay? Then there comes abstract noun. What is abstract noun? And which tell us quality, state or action of any particular thing. Yes, ma'am. Sorry, come again, please. Ma'am, which tell us some quality, state or action of any particular thing. Absolutely right. Ma'am, like the plane was in flight, ma'am. Ma'am, then the... I didn't get you. What you said? Come again. Ma'am, the plane was in flight. Right. Okay. Ab basically, what is a abstract noun? Abstract noun hamara kaun sa hota hai? Ki basically, the rest of the nouns, we can see or touch them, right? And this particular thing, abstract noun, we can touch it. We can just see it. That is abstract noun, right? Ab abstract noun mein, sir, yes? Ma'am, may the courageous person, ma'am, then the courageous word is abstract maybe. Right. Thus, we can see that. The courageous person, the poverty is abstract noun? Yes, ma'am. Richness? Ma'am, greedy. Sadness? Greedy. Ma'am, we can just feelings. Sense it, see it, right? We can touch that thing. Yes, ma'am. हम उस person को touch कर सकते हैं. A person तो common noun हो गया ना, right? We can, if I'll say that Mohan is greedy, right? So what is greedy? Greedy is abstract noun. Okay. We can just see that. We can just feel that. We can touch that thing. वो हमारे abstract noun में आते हैं. So कोई भी state of action, quality, all these kind of things, again expressions and all these things, which all falls under the category of abstract noun. Abstract noun में किसी को doubt तो नहीं है? No ma'am. Okay. Ma'am, what's the difference between an abstract noun and an adjective, ma'am? Adjective tells the quality of the noun. Okay, and abstract noun is the category of noun. Now, what is the difference between abstract noun and adjective? Basically, koi comparison hai nahi, because adjective jo hai wo qualify karta hai noun ko, right? Yes. Abstract noun kaise? Poor hamara adjective hai. Poverty is abstract noun. Okay, ma'am. Getting my point? Poor is adjective. He is a poor man. That is adjective, right? And abstract noun, poverty. State. Uski state ke liye hum ye cheeze bolte hain. Khush hona, sad hona, that state. Right? And jo hamara adjective है, that is basically a word, right? जिससे हम उसकी जो qualify करता है noun को, और जो abstract noun होता है, that is state basically, एक condition हम बताते हैं कि कैसी है, okay? Any doubt? No ma'am. Okay,
then there comes material noun. What is material noun? Ma'am, which is used for material things. आप सभी लोगों ने फिर से वीडियो ऑफ कर ली. Ma'am, which is used for material things. Due to network connection. Okay, okay, okay. Rohak, are you there? Yes, ma'am. समझ में आ रही हैं सबको चीजें? Yes, ma'am. Okay. So, material noun का जिन्होंने पहले बोला था वो नहीं बोलेंगे. Anyone else? What is material noun? Ma'am, which includes quantity. Not quantity, बच्चे. Materialistic things basically gold, silver, material जिनमें आता है. Things which are made from material. Right. जो एक material से बनी होती हैं, that is material noun. Ma'am, can space come into material nouns, ma'am? Space. Ma'am, as in outer space. Sorry. Ma'am, space as in the outer space, not the ma'am gap. Yeah. I got your point. Outer space. No, बच्चे स्पेस इज नॉट अ मटेरियल नाउन. मटेरियल नाउन फिर आप ऐसे तो पर्सन एक मटेरियल बन जाएगा. यस मैम. राइट अगेन दैट स्पेस इज अ प्रॉपर नाउन दैट इज गिवन टू स्पेस. मैम बट स्पेस इज आल्सो मेड अप ऑफ डार्क मैटर एंड स्टफ. दैट इज बेसिकली काइंड ऑफ साइंटिफिक फैक्ट्स. बट अगेन जब हम उस सेंटेंस वाइज उसमें जाते हैं तो हर किसी को एक प्रॉपर डिफाइन किया होता है. राइट अब जैसे स्पेस है, स्पेस वो एक ही स्पेस है हमारे पास, बहुत सारे तो है. Yes, नहीं. सो दैट इज प्रॉपर नाउन. अगर मैं स्पेस वर्ड की बात करूं तो अब डार्क मैटर, डार्क मैटर मैटर की क्वालिटी बता रहा है डार्क. यू आर टॉकिंग साइंटिफिकली ओवर हियर. एज एन इंग्लिश ट्यूटर आई विल टॉक इन दिस मैनर ओनली कि डार्क मैटर में मैटर क्या है, हमारा नाउन है एंड डार्क उसकी क्वालिटी बता रहा है. राइट सो स्पेस ओवर हेयर स्पेस एक प्रॉपर नाउन है. मटेरियल वाइज नहीं बना हुआ है स्पेस में. सारे ही कैटेगरीज गैलेक्सीज एंड ऑल पता नहीं क्या क्या आता है. राइट एंड अगेन इफ आई टॉक अबाउट गैलेक्सी, गैलेक्सी इज अ कॉमन नाउन. बहुत सारी गैलेक्सीज हैं स्पेस में. राइट गैलेक्सी इज अ कॉमन नाउन. नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी? मिल्की वे. मिल्की वे. राइट मिल्की वे गैलेक्सी. अब वो मिल्की वे गैलेक्सी एक प्रॉपर नाउन है क्योंकि वो हमारी ही गैलेक्सी का नाम है और किसी गैलेक्सी का नहीं है. गैलेक्सी बहुत सारी है कॉमन. राइट मिल्की वे गैलेक्सी इट इज ओनली वन. सो दैट इज प्रॉपर. ओके मटेरियल नाउन में बच्चे द थिंग्स विच आर बेसिकली कंसिस्ट मटेरियल्स गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम मर्करी ऑल दिस काइंड ऑफ थिंग्स फॉल्स अंडर मटेरियल नाउन. यस मैम. ओके यस मैम. ओके सो अभी हमने स्पेस वर्ड की बात की. Now if you want to say कि मेरे पास यहाँ पे बैठने को जगह नहीं है, what you will use? Space? Yes ma'am. Yes ma'am. नहीं, space again, बच्चे space वही वाला ही space होता है जब हम normally ऐसे बोलना चाहते हैं कि जगह नहीं है. That is room. There is no room to sit for you. Yes, ma'am. Okay, कि आपके लिए यहाँ पे बैठने को कोई जगह नहीं है. That is room. Okay. In yes, car, there no room left to sit. कोई जगह नहीं बची थी. ठीक है. Either you will for car, या तो बोलोगे there is no room, right? या फिर बोलोगे there is no seat. स्पेस नहीं होता कि स्पेस नहीं है. इट इज ऑलवेज रूम. ओके यस मैम. नाउन में किसी को कोई डाउट है? नो मैम. ओके अब बात करते हैं कैटेगरी की. कैटेगरी हमारे पास दो हैं, राइट? काउंटेबल कैटेगरी में कोई एग्जांपल दोगे मुझे काउंटेबल कैटेगरी का एंड अनकाउंटेबल दोनों का? मैम बुक्स. फोर बुक्स.
अच्छा बुक एक प्रॉपर नाउन है या कॉमन नाउन है? मैम प्रॉपर कॉमन 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 प्रॉपर किसी का प्रॉपर में है वर्ड मैम प्रॉपर मैम आई थिंक प्रॉपर नाउन एंड व्हाई यू थिंक दिस इज अ प्रॉपर नाउन मैम इट कैन एनी बी मैम वी हैव यूज्ड द वर्ड बुक मैम इट कैन एनी बुक तो जब कोई एनी बुक हो सकती है तो बच्चे वो तो कॉमन नाउन हो गया ना फिर प्रॉपर था बुक इज अ कॉमन नाउन हाँ जी यस मैम अगर मैं बुक बोल रही हूँ तो उसमें सारी बुक्स आ जाती हैं आपकी इंग्लिश की बुक आपकी फिजिक्स बुक केमिस्ट्री बुक कंप्यूटर बुक एवरी बुक राइट अब मैं फिजिक्स बुक बोल रही हूँ तो फिजिक्स बुक फिजिक्स इज अ प्रॉपर वर्ड ओवर हियर एंड बुक इज अ कॉमन नाउन अगर मैं इन्हें दोनों में ही बात कर रही हूँ फिजिक्स के भी बहुत सारी बुक्स होती है वैसे तो वरना मैम नॉवेल्स भी मैम एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा नहीं बच्चे मैं वही बात करने लगी थी अभी एक यहाँ पे ठीक है एंड वन थिंग आई मिस्ड द फर्स्ट लेटर ऑफ प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी इन कैपिटल ओके अच्छा मुझे ये बताओ हाँ जी अब आओ आपके क्वेश्चन पे देन मैं अपना टॉपिक ये वाला सा यहाँ पे प्रॉपर नाउन के बात हम थोड़ा सा दोबारा करते हैं एंड यस आप अपना डाउट बोल रहे थे यस मैम फिजिक्स बुक मैम एक कॉमन नाउन है क्योंकि बहुत सारी फिजिक्स बुक होते हैं जैसे रकमी सिंह या फिर एनसीईआरटी मैम मैम वरना तो मैम फिर नॉवल को भी मैम एक प्रॉपर नाउन ले सकते हैं क्योंकि नॉवल भी मैम एक कैटेगरी फिजिक्स बुक में कैटेगरी होगी मैम एक बुक की राइट बट देखो बच्चे फिजिक्स इज अ सब्जेक्ट आप तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इट मीन फिजिक्स भी जो है वो एक हमारे पास क्या है कॉमन नाउन होगा फिर ऐसे तो फिजिक्स भी मैम कांसेप्ट तो सेम ही होगा लेकिन किताब का डिपेंड करता है अलग क्लास की अलग होती है ऐसे मैं अगर एक स्पेसिफिक जैसे तो बच्चे वही ना देखो फिजिक्स बुक अगर मैं सिर्फ बोल रही हूँ फिजिक्स बुक ठीक है अब देखो मैं आपको बोल रही हूँ आपके पास आपका बैग है राइट डजंट मैटर इफ यू हैव एनसीईआरटी और एनी एडिशन दैट आर एडिशंस ऑफ द बुक एडिशन है आपके पास वो अलग अलग एडिशन आए हुए हैं एक प्रॉपर नाउन के ठीक है ऐसे तो फिर मान लो अगर ऐसे आप कहना चाहते हो फिर तो मान लो एनी मूवी नेम टेल मी एनी मूवी नेम मैम जॉन कार्टर सॉरी व्हाट यू सेड मैम जॉन कार्टर आई डिडंट गेट एंड आई हैवंट एक्चुअली हर्ड अबाउट दिस मूवी टेल मी अ नॉर्मल नेम अ ब्यूटीफुल माइंड मैम अ ब्यूटीफुल माइंड राइट हैव यू सीन इट यस मैम नो मैम एवरीवन शुड सी इट A beautiful mind. अब ऐसे तो फिर इसकी बहुत सारी कॉपीज हैं बच्चे बहुत सारे टाइप्स में भी हैं yes, ma'am. Right? So फिर उसी हिसाब से तो a beautiful mind भी हमारा कॉमन नाउन होना चाहिए बट इट isn't, राइट वो हमारा एक प्रॉपर नाउन है एक पर्टिकुलर मूवी का नेम मूवी एक कॉमन नाउन है या प्रॉपर नाउन है ma'am, common. Common noun. Common. Right. Movie is a common noun. Then the name of that particular movie is a proper noun. Proper noun. तो इसी टाइप से बच्चे अब यहाँ पे फिजिक्स बुक डिपेंड करता है हम बात कैसे कर रहे हैं एंड फिजिक्स बुक हमेशा ही एक प्रॉपर नाउन में रहेगा वेयर बुक इज अ कॉमन नाउन एंड फिजिक्स इज अ प्रॉपर नाउन वाई फिजिक्स एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का नेम है अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करती हूँ कि एनसीईआरटी का एडिशन है मेरे पास राइट तो एनसीईआरटी फिजिक्स बुक ये चीज क्लियर है आपको ये फिजिक्स वाली yes, ठीक है अब टॉपिक पे आते हैं मैं बात कर रही थी प्रॉपर नाउन की द फर्स्ट लेटर ऑफ अ प्रॉपर नाउन विल ऑलवेज बी इन कैपिटल लेटर डजंट मैटर इफ यू आर यूजिंग इट इन अ रनिंग सेंटेंस ओके इफ यू विल से दैट आई हैव अ फिजिक्स बुक In my bag. तो physics यहाँ पे physics का P हमारा हमेशा capital letter में रहे. Okay? Yes, ma'am. Okay.
Are week's name and month's name are proper noun or common names? Ma'am, proper. Okay. Rest, मुझे बताओ, सभी बताओ, सभी बोलो, एक एक बार अपने वोट्स दो कि मंथ्स और डेज प्रॉपर नाउन होते हैं या कॉमन होते हैं. मैम प्रॉपर. तो मुझे दो ही बच्चों की आवाजें आ रही हैं, बाकी सब क्या कर रहे हो? प्रॉपर मैम. प्रॉपर मैम. प्रॉपर. कोई कॉमन नेम कह रहा है, कॉमन नाउन कह रहा है? द नेम ऑफ मंथ्स एंड इयर्स एंड डेज. यस मैम. एनीवन हु आर सेइंग दैट इट इज अ कॉमन नाउन? मैम. ओके. सो बेसिकली अगर मैं इस वर्ड की बात करूं मंथ्स, सो मंथ इज अ प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन? कॉमन नाउन मैम. कॉमन नाउन. मंथ इज अ कॉमन नाउन. राइट. मंथ इज अ कॉमन नाउन एंड डेज मैम कॉमन. Common. Days is also now. Common, right? So, January. Yes. Monday. Proper noun. They are proper. These are proper noun. So, आप इनको कहीं पे भी use करो, you will always use the first letter in capital. Doesn't matter if you need to write the name of January, the name of particular that month, like 100 times in an essay, right? You will always write it in a capital letter, even if it is at the end of the sentence. Mam, year is proper noun. What you said, bache? Mam, year is a proper noun. देखो, year जो है बच्चे, year is a common noun. जैसे हर हर दिन होता है, हर महीना होता है, वैसे ही साल होता है, right? Year is a common noun. अब बाकी तो proper ही है ना, 2001, 2001 ही है और कोई year नहीं है, right? अब नेम इयर्स के नेम नहीं है, इयर्स की काउंटिंग होती है, सो उसमें वो काउंटिंग वाइज चीजें चली जाती हैं, तो वहां पे तो वैसे ही उनका डिफरेंशिएटिव अलग होता है. वन और टू कोई कंपैरिजन ही नहीं है, वन वन है, टू में दो चीजें आ जाती हैं, राइट? ईयर वर्ड इज द कॉमन नाउन. ओके, अब बात करते हैं थोड़ा से कैटेगरीज के बारे में. फर्स्टली जस्ट टेल मी दिस दैट डू यू ऑल गेट द थिंग्स व्हाट आई हैव टोल्ड यू? यस मैम. एनी डाउट इन एनी सिंगल कैटेगरी ऑफ नाउन और सेंटेंस? नो मैम. नो मैम. Okay, countable noun and uncountable noun. This basically this is little bit complicated comparatively the types of noun, right? वहाँ पे चीजें quite clear थी, right? जो connection होती है हमें इन चीजों में होती है. Countable noun क्या होते हैं? Basically we can easily count. Right, which we can count by numbers. Yes, ma'am. Which we can't. Count by numbers. Okay. But होता क्या है, अब uncountable noun को count करने के लिए measurements होते हैं then हमारे पास. Yes ma'am. Right. अब मुझे ये बताओ, distance is a countable noun or uncountable noun? Uncountable. Uncountable. Distance countable है या uncountable है? Uncountable. Uncountable है. Ma'am, countable. Okay, anyone who is saying that distance is uncountable noun? Yes,
एनीवन नो मैम बच्चे डिस्टेंस हमारा अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए ही तो हमारे पास मेजरमेंट्स होती हैं वी हैव मेजरमेंट्स ना यस मैम यस सो मेजरमेंट्स हमारी अनकाउंटेबल नाउन के लिए तो बनाई होती हैं शुगर काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल है व्हाई बिकॉज हम इसको केजीज में काउंट करते हैं 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम देन हाउ कम डिस्टेंस इज अ प्रॉपर काउंटेबल नाउन मैम कॉज वी कैन मैम काउंटेड मैम लाइक 1 सेंटीमीटर 1 मिलीमीटर दे ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन ना बच्चे मेजरमेंट्स बनाई ही अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए गई हैं ओके शुगर हमारी शुगर को हम ऐसे एक एक करके काउंट नहीं कर सकते राइट किलोमीटर को भी हम ऐसे कहां एक एक करके काउंट कर सकते हैं मेरे पास आई हैव 3 मार्कर्स हियर आई कैन काउंट इट लाइक दिस 1 2 3 काउंटेबल नाउन राइट देयर आर अराउंड 8 to 9 स्टूडेंट्स आई कैन काउंट 1 by 1 1 2 3 4 राइट कैन यू काउंट किलोमीटर लाइक दिस नो मैम वी कैंट काउंट वी कैन मेजर दीज थिंग्स अब मेजरमेंट के लिए ही तो अनकाउंटेबल वो मेजरमेंट की कैटेगरी आई क्यों because of one countable noun because it is not possible to count anything right? yes ma'am ab agar usko countable category mein hote agar suppose distance countable category mein hote then there should be some other way pata nahi ab wo way kaise hota ab wo pata nahi wo aise aise karke usko count karte kisi bhi type se but that is not possible at all otherwise fir kilometers count karte karte wo ab tak aapka decide hi nahi hona tha अगर उसकी एक मेजरमेंट कैटेगरी ना होती तो जिनकी भी मेजरमेंट्स कैटेगरीज होती है ना बच्चे दैट ऑल आर अनकाउंटेबल नाउन्स अब शुगर आपको क्वाइट क्लियर था कि शुगर बहुत सारी होती है काउंट तो कर नहीं सकते राइट सो दैट्स व्हाई आपने उसको इजीली बोल दिया अनकाउंटेबल नाउन बट डिस्टेंस किलोमीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर 3 राइट अब वहां पे काउंटिंग आ गई बट दैट डजंट मीन दैट इज अ काउंटेबल नाउन वी हैव अ मेजरमेंट क्राइटेरिया फॉर दैट है तो उसके एंड में भी किलोमीटर और यहाँ पे भी किलोग्राम ही है ना बच्चे Yes, ma'am. So that all are uncountable. Okay. अब जो countable noun होते हैं बच्चे हमारे पास countable noun can exist in singular as well as in plural category. Yes, ma'am. Both. Right. Both categories में ये हमारे पास exist करते हैं. Ma'am. हाँ जी. हाँ जी बच्चे बोल लो. Ma'am, countable only. Ma'am, the countable are only in प्यूरल फॉर्म मैम बट मैम नहीं बच्चे इट मीन यू आर सेइंग दैट कि काउंटेबल नाउन में टू बुक्स आएंगी तो फिर वन बुक को हम कहां पे रखेंगे ओनली बुक यस मैम तो जो काउंटेबल नाउन की कैटेगरी होती है वहीं पे तो हम एस और ईएस हमारा वहीं पे ही तो यूज आता है सारा जिन चीजों को हम गिन सकते हैं गिन सकते हैं बुक बुक्स Yes, ma'am. 1, 2, 3, 4. Yes, ma'am. Right? Ma'am, okay. ठीक. तो जो countable nouns होते हैं, ये हमारे singular और plural दोनों categories में exist करते हैं. What I mean to say over here, again, I'll take the same example. I have a physics book in my bag. कितनी फिजिक्स बुक है मेरे बैग में सिंगल सिंगल वन राइट मेरे बैग में एक फिजिक्स बुक है आई रोट बुक ओवर हेयर राइट आई हैव बुक्स इन माय बैग अनकाउंटेबल नाउ बुक इज अ काउंटेबल नाउन राइट सो ओवर हेयर आई हैव यूज्ड बुक्स बुक्स ना ही तो मेरा बुक गलत है ना ही मेरा बुक्स गलत है सो इट मीन इट इज countable in both singular and plural forms तो ये दोनों ही forms में हमारे साथ हमारे पास exist करता है And what about uncountable noun?
मैम दे एग्जिस्ट इन मैम मेजर्स दे एग्जिस्ट इन सिंगुलर फॉर्म बेसिकली ओके एंड जो वर्ब यूज करते हैं हम वर्ब अगेन इसमें हमारी सिंगुलर और प्लूरल हम दोनों यूज करते हैं इस केस में हमारी वर्ब सिंगुलर ही रहती है ओके मैम ओके काउंटेबल नाउन के साथ हम आर्टिकल्स का यूज कर सकते हैं अनकाउंटेबल नेम्स के साथ अनकाउंटेबल सॉरी नाउन्स के साथ हम आर्टिकल्स का यूज नहीं कर सकते स्पेशली ए एंड एन का यस मैम राइट आई हैव अ यू कैन से दैट देयर इज अ किलोमीटर टू गो सुना है कभी अगर किलोमीटर आपका डिस्टेंस no, अगर आपका काउंटेबल होता तो आपने कहीं ना कहीं ये पढ़ा होना था देयर इज अ किलोमीटर टू गो देयर इज 1 किलोमीटर टू गो देयर इज अ डिस्टेंस हां जी दे ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर आई ट्रैवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ किलोमीटर बच्चे अगर मैं उसको ग्रामेटिकली बेस में जाऊंगी तो वो अ गलत है वहां पे ओके वो जस्ट रनिंग सेंस में प्रोनंसिएशन वाइज बोला जाता है इफ आई विल गो इन ग्रामेटिकल सेंस तो वहां पे क्या हो जाता है हमारा रॉन्ग प्रूव हो जाती है वो चीज ओके एंड डिस्टेंस की बात करें बच्चे डिस्टेंस वैसे ही हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में चला जाता है अब उसकी मेजरमेंट्स हैं राइट अब वो मेजरमेंट्स के लिए हम अ और एन नहीं लगा सकते अ किलोमीटर नहीं हो सकता ओके ओके और जो काउंटेबल नाउन्स के साथ हम हमेशा अब ये चीज ध्यान से समझना काउंटेबल नाउन्स के साथ हम मैनी लगाते हैं एंड अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ हम मच लगाते हैं राइट देयर आर कैन मी जस्ट एन अदर वर्ड ऑफ दिस काउंटेबल नाउन बिकॉज आई एम अगेन हैविंग द सेम एग्जांपल विद बुक राइट So just tell me any other word so that I can make an example of that. Person. Like odd people. Like two people, three people, many people. Okay. So the thing is actually person ka plural people hi hota hai. Pehli baat to. Theek hai? Yes, ma'am. ओके हाँ अब ये चीज आई विल टेक अ स्टॉप ओवर हियर एंड वी विल जस्ट लिटिल बिट डिस्कस अबाउट दिस कुछ हमारे पास जो इनके प्लूरल होते हैं सिंगुलर के वो कुछ हटके होते हैं यूजुअली सिंगुलर से प्लूरल बनते टाइम ऐसे लगता है साथ में राइट बट देयर आर सम वर्ड्स व्हिच टेक्स अ होल अदर फॉर्म व्हाइल गोइंग फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल फॉर्म लाइक पर्सन टू पीपल मैन मैन Women, women, mouse, mice, child, hold on, child, children, yes ma'am, yes, some, आप some कह रहे हो? Some and plenty, right, some and plenty, right, कि some, वो उसका singular plural form नहीं हुई बच्चे सम एंड प्लेंटी हमारा होता ही अनकाउंटेबल चीजों के लिए है ओके प्लेंटी ऑफ स्टार्स यस मैम राइट प्लेंट बहुत सारे तो वो काउंटेबल अनकाउंटेबल कैटेगरी की बात नहीं रहती है यहां पे फिर ओके मैम बट वी कैन मैम हां जी हां जी मैम वी कैन यूज मैम Plenty in ma'am the singular form also ma'am the like you should go to the library there are plenty of books there right so bahut sari plenty of books ab wo thoda hum is type se batana chahte hain ki bahut sari thi right ab plenty jo hai plenty hum dono plenty basically sorry plenty hamara countable category mein rehta hai I think siddhant you said it right yes, yeah good good okay Plenty, plenty हमारा countable category के लिए होता है कि बहुत सारे but countable रहते हैं वो जैसे कि many and plenty is the same, some is the uncountable, ठीक है? Okay, अब बात करते हैं हम
ये चीज हाँ मैंने बस इसी चीज के लिए स्टॉप लिया था. नाउ कम बैक टू दिस. इट इज सो हार्ड. Okay, so I was about many and much. So you need to understand this carefully because you can never say that there was so much people over there. So many people, right? Or aap ye kabhi nahi keh sakte there was so many sugar in the bag. Ma'am, there was so many amount of sugar, ma'am. Amount of sugar aa gaya na bache. राइट बट अमाउंट ऑफ शुगर इज समथिंग डिफरेंट. वहां पे नहीं मैनी अमाउंट ऑफ शुगर बहुत सारा अमाउंट था शुगर का. ग्रेट दैट इज राइट. तो देयर दीज आर द वेज जस्ट टू मेक द अनकाउंटेबल थिंग्स टू काउंटेबल नाउंस की सो दैट उनको काउंट किया जा सके. ओके सो मैनी एंड मच की बात कर रहे थे हम. अब मैनी की फॉर्म्स के लिए जो हमारे पास चीजें होती हैं ये हमारे पास रहती हैं फ्यू अ फ्यू एंड द फ्यू. सो बेसिकली व्हाट आई मीन कि जो फ्यू अ फ्यू द फ्यू ये चीजें भी हमारी काउंटेबल चीजों को ही एक्सप्रेस करती हैं. आयुष व्हाट्स हैपनिंग. आयुष आर यू देयर. Yes, Ayush, am I audible to you? Ayush? I think he is having some problem. Okay, so let's continue. जो हमारा countable noun की category होती है many की वो हम इससे count करते हैं अगर हमने थोड़ी की बात करनी हो तो. Many तो बहुत हो गया ना right? तो कम की बात करनी हो फ्यू अ फ्यू द फ्यू. एंड सेम इन द अनकाउंटेबल नाउन. अनकाउंटेबल नाउन में मच तो हम ज्यादा के लिए यूज करेंगे. कम के लिए हम क्या यूज करेंगे. लिटल अ लिटल द लिटल. ओके विल यू प्लीज एक्नॉलेज गाइस. Who is watching TV? Switch on your videos, guys. Turn on your videos, everyone. Turn on your videos and audios for once. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Who was watching TV behind the my back? Who was watching it? Tell me. Okay, just tell me. Now if I'm talking about sugar, right? कि मुझे कहना है कि मेरे पास थोड़ी सी ही sugar है, but you will use few or much or many or little. Can you hear me, guys? Am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Why aren't you responding then? Can you repeat? Where is Siddhant? Siddhant it was, right? Siddhant or Siddhar? Are you there, Siddhar? Then he left the class. Why? I don't know. Okay.
Okay, so I hope you guys are not getting bored. So just tell me, I have asked you one question. If I want to say कि मेरे पास कुछ ही शुगर बची है, what you will use? Much use करोगे आप, many use करोगे, या फिर few, या little, फिर little? Little. Right. I have little sugar left in the pot. कि थोड़ा ही उसमें बचा है, right? अब देखो, जो बात उस टाइम पे हमारी चल रही थी, countable, वो many अमाउंट ऑफ शुगर वाली, राइट? सो अनकाउंटेबल नाउन को काउंटेबल की कैटेगरी में रखने के लिए ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है? अब मुझे आप ये बताओ, हेयर एंड स्टार, ये हमारे काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है? अनकाउंटेबल. ओके, नाउ इट इज जस्ट वन वॉइस. I want to hear rest of all your voices. What about hair and star? I'm uncountable. Now it's two voices. What about rest? Do you guys have any opinion about it? Who answered me? Ma'am, uncountable. Okay, who answered it? Ma'am, uncountable. Pranil, Jivesh, Heer, Shivam. Uncountable. Okay, yes. Okay, so, but the thing is, जो hair and star हैं बच्चे, ये हमारे uncountable भी होते हैं, and ये हमारे countable noun भी होते हैं. Basically, ये दो words ऐसे हैं, जो दो हमारे दोनों ही category में fall करते हैं. ओके, नाउ बट यू नीड टू रिमेम्बर कि जब हम इसको अनकाउंटेबल की कैटेगरी में रख रहे होंगे, देन ये हमेशा हमारा सिंगुलर ही वर्ब लेंगे साथ में. ओके, व्हेन इट्स अनकाउंटेबल बेसिकली, तो अनकाउंटेबल के टाइम पे हेयर प्लस सिंगुलर वर्ब, स्टार प्लस सिंगुलर वर्ब. And when we are coming for countable category, तो countable category के time पे that depends how we are using it. अब आप confuse हो रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ. बच्चों आप सुन भी रहे हो? Yes ma'am. Yes तो ma'am. आपको लगता नहीं मैंने गलत बोल दिया कुछ? Tell me, आपका कुछ ओपिनियन होगा हेयर के बारे में? हेयर और स्टार हमारे काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं? अनकाउंटेबल. But again, will be on my opinion only. हेयर और स्टार जो होते हैं बच्चे, एक्चुअल में ये हमारे दोनों ही कैटेगरीज में रहते हैं. There are some exceptions, right? So this is in star and hair. हेयर हमारा अनकाउंटेबल नाउन की कैटेगरी में हम कब रखेंगे? वी विल पुट इट इन अंडर अनकैटेगरी, सॉरी अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट होल वॉल्यूम ऑफ द हेयर. बट आई मीन टू से माय हेयर इज ब्लैक. माय फ्रेंड्स हेयर is brown. Okay, पहले तो मुझे ये बताओ बच्चे, black कौन सा noun है? Proper. और यहाँ पे इस particular word में आपका black and brown क्या है? Black आपका क्या word है यहाँ पे? इस पर्टिकुलर वर्ड में अनकॉमन. माय हेयर इज ब्लैक, माय फ्रेंड्स हेयर इज ब्राउन. वेयर वर यू सिद्धांत? मैम लाइट चली गई थी मैम.
ओके ओके सो व्हाट अबाउट यू सिद्धांत हेयर एंड स्टार आर दीज काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन हेयर एंड स्टार अनकाउंटेबल मैम दे अनकाउंटेबल ओके बट बच्चे ये काउंटेबल होते हैं ठीक है अब जैसे नाउ आई एम टॉकिंग अब इन द केस ऑफ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द अनकाउंटेबल नाउन कैटेगरी इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर फॉर्म लाइक ओवर हेयर आई एम टॉकिंग अबाउट अ अनकाउंटेबल कैटेगरी आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वॉल्यूम ऑफ द हेयर राइट ठीक है बट दीज आर काउंटेबल एज वेल अब देखो जब मैं पूरा उनके इसी टाइप से बात कर रही हूँ आपके बाल काले हैं आपके बाल ब्राउन है ब्लैक ब्राउन नाउ दिस इज अनकाउंटेबल नाउन राइट अब जब आप राइट कि माय हेयर इज ब्लैक बट माय फाइव हेयर्स आर वाइट मैम काउंटेबल नाउन काउंटेबल नाउन वहां पे फिर वो हमारा काउंटेबल हो गया कि मेरे काले बाल हैं बट मेरे पांच बाल ऐसे हैं जो वाइट हैं राइट तो उस केस में हम उसको काउंटेबल कैटेगरी में रख के उसके साथ हम फिर प्लूरल ही वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे राइट यस मैम ओके सेम फॉर द स्टार्स जब हम ओवरऑल स्टार की बात कर रहे हैं तो वो हमारा सिंगुलर की कैटेगरी में रहता है जब हम कुछ स्टार्स को काउंट करके बात कर रहे हैं तो वो हम उसको प्लूरल कैटेगरी में भी कह सकते हैं राइट नाउ इफ आई वांट टू से आई एम सॉरी आई वांट टू से कि फाइव स्टार्स आर इल्यूमिनेटिंग कि कुछ ही मतलब सॉरी फाइव स्टार्स हैं चमक रहे हैं राइट ओके नाउ इफ यू वांट टू से कि मेरे बाल कर्ली हैं Yes, ma'am. But will you say? Ma'am, my hair are curly. क्यों बच्चे R क्यों आएगा? Ma'am, क्योंकि हम hair as in सारे hair कर रहे हैं. मैं लिखता one strand of my hair is curly. Ma'am, तब अलग होता. तो बच्चे my hair is curly आएगा. बच्चे R नहीं आएगा. My hair is curly आएगा. Right, is curly आएगा क्योंकि यहाँ पे हम whole volume की बात कर रहे हैं. एक हमारे पूरे हेयर वॉल्यूम की बात कर रहे हैं कि वो कैसे हैं राइट यस मैम ओके आज मेरे पांच बाल गिरे तो ये किस में आएगा Countable. Right. By combing four or five hairs have fallen down. गिर गए हैं, right? Yes, ma'am. Okay. Now again, if you want to say कि मेरे बाल straight हैं, ma'am, किस लगेगा आर? My hair is straight. Okay. And tomorrow we will cover about countable categories ki countable ko as per the earlier Siddhant mentioned amount of sugar right ab jo hamare jitne bhi uncountable noun hain unko countable form mein rakhne ke liye particular measurements ke criterias hain okay jaise distance ko hum kilometers mein rakhte hain to kilometer mein rakhne ke baad wo hamara countable noun ban jata hai okay yes ma'am तो इसी टाइप से हर चीज के लिए होता है न्यूज आपके काउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल नाउन है मैम अनकाउंटेबल ओके तो इन सारे वर्ड्स को राइट ही इज राइट न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इनको काउंटेबल फॉर्म में रखने के लिए हम क्या करते हैं हमारे पास अलग अलग वर्ड्स होते हैं इन सब के लिए ठीक है अब बात कर रहे थे हम लिटल अ लिटल एंड द लिटल की राइट अब लिटल कुछ याद है करवाया है मैंने आज ही लिटिल और लिटिल द लिटिल लिटिल काउंटेबल के लिए है ना यस मैम ओके गुड लिटिल हमारा काउंटेबल के लिए है और फ्यू फिर हमारा अनकाउंटेबल के लिए होगा यस यस मैम
ओके आप लोगों ने नोट्स बनाए बाय द वे? यस मैम. ओके अच्छा आपने यही नोट्स बनाए हैं कि जो हमारा लिटिल है वो हम काउंटेबल नाउन के साथ लगाते हैं और जो हमारा फ्यू है वो अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ लगाते हैं. I'm yes, little and count. बच्चे फिर तो मतलब आप लोगों को समझ में ही नहीं आया. में गया है मैम अनकाउंटेबल में लिटिल आएगा या फिर आपने समझा नहीं. सुनाई नहीं दिया अच्छे से. मैं एक बार बुक देख रहा था. अभी या पहले? अभी अभी जब आपने अभी लेटर कहा था. ओके 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 बट देखो बच्चे फ्यू हमारा काउंटेबल कैटेगरी एंड लिटिल हमारा अनकाउंटेबल कैटेगरी के लिए होता है. एंड व्हाट अबाउट मच एंड मैनी? मच हमारा काउंटेबल के लिए होता है एंड मैनी हमारा अनकाउंटेबल के लिए होता है. एम आई राइट? मैनी नो मैम. मैम मैनी काउंटेबल के लिए होता है. Yes, हाँ तो हमेशा यस यस नहीं करना होता. मैं कंफर्म करने के लिए भी आप लोगों से उल्टा बोल सकती हूँ. ठीक है? यस ओके. सो कुछ एक नॉर्मल से वर्ड्स हैं जैसे कि डिश. नॉर्मल डिश खाने के लिए जो होती है वो हमारी काउंटेबल नाउन में आती है एंड फूड हमारा अनकाउंटेबल नाउन में आता है. ओके यस मैम. इन द सेम वे व्हीकल हमारा काउंटेबल नाउन है एंड ट्रैफिक हमारा अनकाउंटेबल नाउन है. जर्नी इज अ काउंटेबल नाउन एंड ट्रेवल इज अ अनकाउंटेबल नाउन. Now traveled uncountable क्यों आएगा? मैं like he traveled 5 times today. Journey बच्चे, फिर वहाँ पे journey होगी. I have traveled to Shimla. मैंने Shimla travel किया हुआ है, right? Travel is something different. Travel होता है कि अब travel का मुझे exactly कि यात्रा करना कहीं की, right? ठीक है. अब ट्रैवल में उस चीज को हम काउंट नहीं कर सकते. आपने कभी ऐसे कहा है कि 4 travel, 5 travel, 6 travel? No, ma'am. जर्नी सुनी है ना? Yes, ma'am. जर्नीज नहीं, जर्नीज होती हैं. जर्नी कैसे कि 4 journeys, 5 journeys, 6 journeys, राइट? कि आई हैव विजिटेड. अगर विजिट की बात करें तो फिर अगेन हमारा ट्रैवल में हो जाता है. बट जो हमारी जर्नी होती है वो हमारा टेबल कैटेगरी में रखा जाता है वर्ड. ठीक है? ओके नाउ अबाउट लिटिल एंड फ्यू. लिटिल काउंटेबल के लिए है, राइट? मैम नो मैम, फ्यू है मैम काउंटेबल के, लिटिल अनकाउंटेबल के. हाँ जी, लिटिल जो है हमारा अनकाउंटेबल के लिए होता है एंड फ्यू हमारा काउंटेबल के लिए होता है. And now come to the usage of a little, the little, and only little and few. Is anyone saying to me something? No, ma'am. Okay. Whose phone is vibrating? Okay, अब देखो little and few. Little and few हम कब लगाते हैं? जब हमारा बिल्कुल ना के बराबर कोई चीज बची हो के पास तो हम कहेंगे little and few, right? There is few milk left. ठीक है ये? मैम गलत है. मैम कैसे गलत है? A few लगाना है? मैम milk मैम uncountable है. Yes मैम, measurement. Yes मैम. Right. There is little milk left.
अब इसका मीनिंग क्या हुआ कि बस ना के बराबर दूध बचा हुआ है, कि इतना भी नहीं है, इवन नॉट एडेक्वेट टू मेक अ कप ऑफ टी, कि नहीं है, बिल्कुल ही कम है, ना के बराबर है, बस नाम है उस चीज का, राइट? एंड अ लिटल एंड ऑफ यू मैम, क्या मैम ये अनकाउंटेबल एंड काउंटेबल मैम मैटर, उसके लाइक स्टेट के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है कि लिक्विड है या फिर मैम सॉलिड? जैसे मैम अगर वाटर हो तो अनकाउंटेबल रखते हैं, पर उसे फ्रीज कर देंगे तो मैम वो काउंटेबल हो जाएगा। तो जो शुगर है वो हमारे सॉलिड स्टेट में, मीटर्स हमारे सॉलिड स्टेट में है। नो मैम, अब कुछ चीजें मैम अलग हो सकती है, लाइक आइस क्यूब को हम लाइक काउंटेबल ले सकते हैं कि यहाँ पे चार क्यूब है। हाँ, अब बच्चे जो क्यूब्स है ना, बेसिकली क्यूब इज अगेन, क्यूब इज अ वे टू काउंट द नाउन फ्रॉम ऑफ अनकाउंटेबल नाउन टू काउंटेबल नाउन। जैसे किलोमीटर हमने डिस्टेंस के लिए है, वैसे ही जो क्यूब्स होते हैं वो आइस के लिए हैं, आइस इज अ अनकाउंटेबल नाउन, राइट? एंड अब वाटर के लिए आप बात कर रहे थे, वाटर इज अ अनकाउंटेबल नाउन, राइट? बट अब वाटर को किसमें काउंट किया जाता है? वाटर के मेजरमेंट हमारे क्या है? लीटर्स। वो करवाऊंगी वो चीज में बच्चे, डोंट वरी, वी विल कवर दिस टुमारो, राइट? अब नाउ जस्ट वी हैव जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट, राइट? फ्यू मिनट्स और लिटिल मिनट्स? फ्यू मिनट्स लेफ्ट, देयर आर जस्ट फ्यू मिनट्स लेफ्ट, सो आई जस्ट वांट टू कवर द लिटिल कैटेगरी ओनली इन दिस, ओके? क्योंकि ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिटिल फ्यू जीरो एंड नेक्स्ट टू नथिंग। अब व्हेन समवन इज सेइंग दैट आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, अब उसका मीनिंग क्या हुआ मैम? कि उसके पास मैम कम मनी, कम पैसे बचेंगे। अब मनी के केस में लिटिल आएगा फ्यू आएगा? मैम फ्यू आएगा, फ्यू मैम लिटिल आएगा। मैम फ्यू तब आएगा जब वो काउंटेबल होएगा, जैसे रुपीस, आई हैव फ्यू रुपीस लेफ्ट। तो मनी है बच्चे, मनी हमारा वर्ड मैम। आपकी आवाज नहीं आ रही मैम। Yes, ma'am. No, ma'am, आपके बाद नहीं आते लोग। That's okay. Now just 5 minutes left, and I have almost covered the topic. Okay, so now am I audible to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. Yeah. So we were at money. So money is our uncountable noun. So ab money ko count karne ke liye again we have currencies. Rupees. Rupees is a countable noun. Yes, ma'am. 1 rupee, 2 rupee. Hum aise thodi kehte hain 1 money, 2 money, 3 money. Right? So that's why there लिटिल यूज किया मैंने, क्योंकि मनी हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में यूज होती है। सो नाउ इफ समवन इज सेइंग टू यू आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट, तो क्या मतलब है उसका? उसके पास बहुत सारे पैसे हैं? नो मैम, नहीं, बिल्कुल ही कि हार्डली उसके पॉकेट में 5 रुपीज और 10 रुपीज होंगे, दैट्स व्हाई ही इज सेइंग कि आई हैव लिटिल मनी लेफ्ट विद मी, राइट? नाउ कम टू अ लिटिल एंड अ फ्यू। अ लिटल एंड अ फ्यू बच्चे हम यूज करते हैं पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए, ओके? पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए व्हेन आई एम सेइंग दैट देयर इज अ लिटल मिल्क लेफ्ट,
अब यहाँ पे अ लिटल लगाने से मीनिंग क्या हो गया कि चलो ठीक है इतना है दूध हमारे पास की कुछ है बट है काफी कि जिससे हम चार जने हैं तो चार जनों की चाय बन सकती है राइट पॉजिटिव क्वांटिटी के लिए आई हैव अ लिटल मनी इन माय वॉलेट सो वी कैन गो शॉपिंग कि हाँ ठीक है कुछ पैसे हैं मेरे पास वी कैन गो फॉर शॉपिंग राइट तो उसमें उस केस में अब अ लिटल कि ठीक है कुछ पैसे हैं पॉजिटिव क्वांटिटी में ठीक है द लिटल एंड द फ्यू द लिटल एंड द फ्यू बच्चे यूज होता है हमारा होल क्वांटिटी के लिए मैम जब बहुत सारा होता है नहीं नहीं बच्चे बहुत सारा नहीं कि जितना है उतने सारे की सारे क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं होल क्वांटिटी कि चाहे वो इतना है या इतना है हम उस सारे की बात कर रहे हैं ओके मैम ओके अब वो कैसे कि द लिटल मनी Which I had हो जाएगा फिर तो Which I had I gave it to you कि जितने भी थोड़े बहुत पैसे थे मेरे पास वो सब मैंने तुम्हें दे दिए थे राइट आई मेड द टी ऑफ द लिटल मिल्क लेफ्ट कि जितना दूध पड़ा था थोड़ा सा या जितना भी था मैंने उस सारे की चाय बना ली राइट एनी डाउट इन लिटल अ लिटल एंड द लिटल एंड फ्यू अ फ्यू द फ्यू ओके इफ यू वांट टू से कि कि मेरे पास इतनी शुगर है कि तुम अपना दूध को पी सकते हो तो उसमें आप क्या यूज करोगे शुगर के साथ फ्यू यूज होगा नो मैम क्या यूज होगा अ फ्यू राइट ओके नाउ इफ आई वांट टू से शुगर में नाउ इफ आई वांट टू से दैट विकल मुझे बताओ विकल हमारा काउंटेबल नाउन है या अनकाउंटेबल नाउन है अनकाउंटेबल विकल अनकाउंटेबल है फिर ट्रैफिक हमारा काउंटेबल हो जाएगा राइट यस मैम नोट्स नहीं बना रहे हो आप या फिर ध्यान भी नहीं दे रहे हो विकल काउंटेबल है बच्चे विकल काउंट कर सकते हो देयर आर फाइव मैंने बोला काउंटेबल राइट व्हीकल हमारा काउंटेबल नाउन है ट्रैफिक अनकाउंटेबल है फिर मतलब आप ट्रैफिक को काउंट करते हो एक ट्रैफिक है दो ट्रैफिक है पांच ट्रैफिक है या व्हीकल्स को काउंट करते हो मैम व्हीकल्स को मैम व्हीकल्स में जैसे देयर आर फ्यू व्हीकल्स देयर ट्रैफिक में देयर इज लिटिल ट्रैफिक टुडे राइट कि देयर आर फ्यू व्हीकल्स आउट ऑफ माय हाउस कि कुछ मेरे घर के बाहर व्हीकल्स हैं अब फ्यू व्हीकल्स में अब आपने कहना है कि मेरे घर के बाहर दो ही व्हीकल हैं राइट तो दो ही व्हीकल के लिए क्या लगाओगे अ फ्यू राइट देयर आर अ फ्यू व्हीकल्स आउट ऑफ माय हाउस ठीक है अब वो पॉजिटिव क्वांटिटी कितनी भी हो सकती है नाउ दैट डिपेंड अपॉन द पर्सन्स नेचर लाइक ये भी हो सकता है वो पर्सन 10 व्हीकल को भी अ फ्यू बोल दे यस मैम राइट अब जैसे कि मान लो कल कोई रैली थी राइट अब वो जो पॉलिटिशियन है मैं तो यही बोलूंगी देयर वर सो मेनी व्हीकल्स राइट बट द पॉलिटिशियन विल से नाउ इवन इफ 100 ऑफ व्हाट ही विल से देयर वाज अ लिटिल सॉरी देयर वाज अ फ्यू व्हीकल्स यस्टरडे इन द रैली इट वाज जस्ट अराउंड 100 नाउ दैट डिपेंड्स अपॉन अस हो सकता है नेक्स्ट पर्सन के वॉलेट में मिलियंस हो राइट एंड ही इज जस्ट हील्ड अगेन ही विल जस्ट से दैट आई हैव अ लिटिल मनी ही विल नेवर से दैट आई हैव so much money with me right yes ma'am okay any doubt no ma'am okay mischief no, ma'am. Mischief is a countable noun or uncountable noun ma'am uncountable mischief countable or uncountable write down this word
ब्रेवरी ब्रेवरी इज इट अ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल ऑनेस्टी मैम अनकाउंटेबल अनकाउंटेबल ओके चलो ये तीनों वर्ड्स की कल डिस्कशन करते हैं कि ये हमारे काउंटेबल हैं या अनकाउंटेबल हैं और अगर इफ इन एनी केस दीज आर अनकाउंटेबल देन हाउ टू मेक दैट काउंटेबल न्यूज व्हाट अबाउट न्यूज अब आपने आपके पास नाउ यू हैव न्यूज हाँ जी अनकाउंटेबल ओके तो अगर आप मुझे कहना चाहते हो कि आई हैव टू न्यूज टू शेयर अब आप ऐसे टू न्यूज ही बोलोगे फिर उसको फिर वो तो काउंटेबल बन जाएगा कैसे बोलोगे I have two articles of news or two. Right. वैसे news हम pieces में basically we share news in pieces. I have two pieces of news for you. I have one piece of news for you. Okay. And rest of the things we will discuss later. I mean tomorrow at the same time 4:00. Okay, just ma'am. Be there. I hope you get the things okay. which I have told you today. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so I'll see you tomorrow. Yeah. Okay, thank you. Thank you. Bye bye. Thank you. Bye bye. Have a good rest of the day and night. Ma'am, can we leave? Yes, yes, you can leave. Yes, ma'am.